ओडिशा में हुआ रेल हादसा इतिहास के सबसे भयावह हादसों में से एक है। हादसे में करीब 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे को लेकर विपक्ष रेल मंत्री के साथ सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहा है। रोजाना आप क्या देखते हैं, मोदी जी उद्घाटन करने में बिजी रहते, रोजाना फ्लैग हिलाते हैं और वंदे भारत, कहीं कोई एक्सप्रेस, कहीं कोई मेल ट्रेन का उद्घाटन करता है। टीएमसी, एनसीपी, जेडीयू और राजद जैसे दलों ने कहा कि हाल के सालों में रेलों में सुरक्षा से समझौता किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। कांग्रेस और जेडीयू ने तो रेल मंत्री पर तंज कसा है कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री और नीतीश कुमार के रेल मंत्री के दौरान हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। रेलवे को अभी स्पेशली ट्रीट करना है। रेलवे को स्पेशली ट्रीट नहीं करने से क्या होता है? माता देख तो किच्चू कृष्ण। रेलवे में 8 कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस था, अभी रेलवे को बजट भी नहीं होता है। रेलवे में कोऑर्डिनेशन का गैप हो गया मेरे को लगता है। वही रेल मंत्री और बीजेपी का कहना है कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, फिलहाल सरकार का सारा ध्यान घायलों के इलाज और राहत अभियान पर है। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। हमारी देश की रेलवे ये बहुत एक सदियों का संगठन है, उसकी कॉम्पिटेंसी पे हमें भरोसा है। इस प्रकार के हादसा होने के बाद जो इंक्वायरी प्रक्रिया होती है उसी को हम सब पहले भी निर्भर किए हैं, इस बार भी हम भरोसा कर रहे हैं। एक बार रेलवे अपना लॉजिकल इंक्वायरी कर ले, फिर उसकी घटना की, जैसे कल मैं इतना आज दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इसको गंभीरता से लिया है और हम सभी को, किसी को उसमें से कोई इन्वॉल्व हुआ व्यक्ति को हम उसमें से छोड़ेंगे नहीं। इस मामले में भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन मामला जनता की सुरक्षा का है और रेलवे को सभी रूटों पर टक्कर रोधी सिस्टम कवच जल्द से जल्द लगाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे दोबारा इस तरह के हादसे न हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।